हमारे किचन में बहुत सारा गीला कचरा उत्पन्न होता है, जैसे फलों, सब्जियों के छिलके, चाय की पत्ती आदि। क्या हम कचरे की मात्रा को कम कर सकते हैं जो डंपिंग ग्राउंड्स में डाला जाता है? क्या हम इस कचरे को किसी उपयोग में ला सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। आइए जानते हैं कि हम जैविक कचरे को अपने पौधों के लिए पौष्टिक उर्वरक में कैसे बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। एक छोटा लकड़ी का डब्बा लें या एक छोटा गड्ढा खोदें। ध्यान रहे वो स्थान ना तो बहुत गर्म हो ना बहुत ठंडा हो और किसी छायादार जगह पर हो। शुरू करने के लिए डब्बे या गड्ढे में नेट या जाल फैलाएं। रेत की 1 या 2 सेंटीमीटर मोटी परत को मिट्टी की ऊपरी परत के साथ मिलाएं। रेत को ढकने के लिए हरी पत्तियों का उपयोग करें। अब जैविक कचरे जैसे फलों के छिलके, सब्जियों का कचरा, इस्तेमाल की गई चाय की पत्ती आदि को गड्ढे में डालें। कीड़े इन खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं। आप इसमें गत्ते, अखबार के टुकड़े आदि भी मिला सकते हैं। लेकिन याद रखें कि चमकदार प्लास्टिक के कागज, डेयरी उत्पाद, तेल, मांस, हड्डियां या किसी भी नॉन बायोडिग्रेडेबल सामग्री को इसमें शामिल न करें, क्योंकि इससे रोग पैदा करने वाले जीवों की वृद्धि होती है। परत को गीला करने के लिए थोड़ा पानी छिड़कें, अधिक पानी न डालें। अब इनमें लाल कीड़े या केचुए डाल दें और उन्हें घास की एक परत के साथ ढक लें। पर्याप्त भोजन और नमी के साथ कीड़ों की संख्या में वृद्धि होती है। 3-4 सप्ताह के बाद गड्ढे में ढीली मिट्टी जैसी सामग्री का निर्माण होगा। डब्बे से सामग्री को निकालने के लिए डब्बे के कोने पर थोड़ा भोजन रख दें, ताकि सभी कीड़े वहां चले जाएं। खाली हिस्से से खाद निकालें और इसे धूप में सुखाएं। आपके पौधों के लिए जैविक खाद तैयार है। तो है ना कितना आसान। जिसे आप कचरे में फेंक देते थे, अब उसी से आपके पौधों को उर्वरक मिलेगा।